जहां आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंगरक्षक नानक चंद को पंडित नेहरू की अनदेखी किए जाने पर मलाल हो रहा है। हमीरपुर जिला के बुजुरी गांव के रहने वाले 88 वर्षीय नानक चंद पंडित नेहरू के वर्ष 1952 से 1955 तक त्रिमूर्ति भवन में अंगरक्षक रह चुके हैं और आज पंडित नेहरू की जयंती के अवसर पर नानक चंद की आंखें भी उन्हें याद करके छलक जाती हैं। पंडित नेहरू को भूलने की बात पर अब नानक चंद के द्वारा इनकी शिकायत जल्द ही पीएम मोदी से करने का मन बनाया है, क्योंकि नानक चंद मानते हैं कि पंडित नेहरू ने जो देश के लिए किया है वो अमूल्य है। नानक चंद का कहना है कि आज के समय में पंडित नेहरू को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये सब गलत है और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पीएम मोदी से मिलकर पंडित नेहरू के बारे में हो रही चर्चाओं पर राम लगाने के लिए कोशिश की जाएगी, क्योंकि पंडित नेहरू को भूलना धर्म के खिलाफ है। गौरतलब है कि हमीरपुर के बुजुरी गांव के निवासी नानक चंद स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अंगरक्षक के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं और पंडित नेहरू के जीवन से स्वयं भी नानक चंद काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन आज पंडित नेहरू के लिए अब शब्द सुनकर उन्हें बहुत दुख पहुंचता है, जिसके चलते जल्द ही पीएम मोदी से भी मुलाकात कर बातों पर विराम लगाना चाहते हैं। फिर रहा उनकी क्या इज्जत थी कि दुनिया में क्या इज्जत है उनकी, और आज उनको सरकार और जनता भूल गई। बिल्कुल कोई नहीं, ये बर्दाश्त होने वाली बात नहीं है। ये नहीं बर्दाश्त होने वाली, ये कंप्लेंट मेरी, मैं मोदी जी को भी ये लफ्ज कहने वाला हूँ कि आप मोदी ठीक हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य है, लेकिन इस चीज को भूलना सभ्यता व धर्म के खिलाफ।